हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस में बायोलॉजी जीके इन हिंदी एमसीक्यू। इसमें हम जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी के, इसमें एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं जनरल साइंस बायोलॉजी जीके इन हिंदी एमसीक्यू, जीव विज्ञान के एमसीक्यू। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। इसका आंसर है क्रो मेगनान मानव। आधुनिक मनुष्य के जो हाल का पूर्वज है वो है क्रो मेगनान मानव। इसका आंसर है क्रो मेगनान मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ। इसका आंसर है अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का आरंभ हुआ था वो हुआ था अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। क्वेश्चन है पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है। क्वेश्चन है पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है। इसका आंसर प्रागैतिहासिक मानव। पूर्व पाषाण काल का संदर्भ प्रागैतिहासिक मानव के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं। उसका आंसर है अफ्रीका। महाद्वीप जहां मानव संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, इसका आंसर अफ्रीका। सबसे ज्यादा जीवाश्म जो मिले हैं महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में मिले हैं। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। इसका आंसर है जावा कपी मानव। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था जावा कपी मानव। जावा कपी मानव ने अग्नि का प्रथम प्रयोग किया था। सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। इसका आंसर है होमो हैबिलिस। सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था होमो हैबिलिस। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया। इसका आंसर है नियंडरथल। प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ी बनाई और मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाने की प्रक्रिया शुरू की वो मानव था नियंडरथल। पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर है 10,000 वर्ष। पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सेपियंस का इतिहास 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। प्रागैतिहासिक मानवों जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की किसने की थी, क्रो मेगनान ने। प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चला है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की थी क्रो मेगनान मानव ने। इनमें से किससे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है। इसका आंसर है होमो इरेक्टस। जो इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है, आपको ये चार दिए हुए हैं, इसमें से हमको ये छांटना है कि आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है उसको बोलते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः था कुत्ता। इसका आंसर है प्राणी जिसने कुत्ता को सबसे पहले मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का। उसका आंसर है जीन पूल। किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का, इसको हम बोलते हैं जीव पूल। ऑस्ट्रेलिया के मार्सोपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथीरिया के जीव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का आभास मिलता है। इसका आंसर है समांतर उद्विकास। ऑस्ट्रेलिया के मार्सोपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथीरिया के जीव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का आभास मिलता है। इसका आंसर है समांतर उद्विकास। क्वेश्चन है एक नई जीव जाति की उद्विकास उत्पत्ति तब हो जाएगी जब, इसका आंसर है किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इसका अन्य आबादियों से जनिनिक पृथक्करण हो जाएगा। आनुवंशिक अपवाहन या विचलन क्या कहलाएगा, बड़ी आबादी के महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है। क्वेश्चन है आनुवंशिक
अपवाहन या विचलन क्या करता है? इसका आंसर है सी, बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, क्या है? इसका आंसर है स्तनधारी। डुगोंड नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है वो है स्तनधारी जीव। जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का क्या होता है? इसका आंसर है जननिक अलगाव हो जाता है। जब जननिक अलगाव हो जाता है तब जाति उद्भवन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमको ये छांटना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं। इसका आंसर है लंगूर। लंगूर है एक कपी नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब, उसका आंसर हो जाएगा इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब उसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका या जिसकी है, इसका आंसर भालू। पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका या जिसकी है, इसका आंसर हो जाएगा भालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमत पूर्वज है। मेमत किसका पूर्वज है? इसका आंसर है हाथी का। मेमत जो है वो हाथी का पूर्वज है। डायनासोर थे, क्या थे डायनासोर? इसका आंसर है मेसोजोएक सरीसृप। जो मेसोजोएक सरीसृप थे, डायनासोर थे मेसोजोएक सरीसृप। कीवी पक्षी पाया जाता है, आंसर इसका न्यूजीलैंड में। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इनमें कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ था? इसका आंसर है डोडो। जो डोडो जंतु है वो कुछ ही समय पहले विलुप्त हुआ था। अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव में जीव विकास का मतलब है, इसका आंसर परिवर्तन के साथ अवतरण। अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव में जीव विकास का मतलब है परिवर्तन के साथ अवतरण। जीवन व्रत में जाति व्रत की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? क्वेश्चन है, जीवन व्रत में जाति व्रत की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? इसका आंसर है पुनरावृत्ति सिद्धांत। जीवन व्रत में जाति व्रत की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? इसका आंसर है पुनरावृत्ति सिद्धांत से। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे दे नहीं देता है? इसका आंसर है एकिडना। ये आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। अंडे कौन देता है? इसका आंसर एकिडना। इसमें से जो एकिडना है वो अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम कहलाता है। इसका आंसर है बायोजेनेटिक नियम। अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम कहलाता है बायोजेनेटिक नियम। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? इसका आंसर है एमू। जो एमू पक्षी है वो उड़ नहीं सकता है। आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं, मोर, बतख, स्टॉर्क, एमू। इसमें से एमू जो पक्षी है वो उड़ नहीं सकता है। डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? इसका आंसर है आबादी पर माल्थस के लेख का। आबादी पर माल्थस के लेख का। जो डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयन के अपरित प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? इसका आंसर है आबादी पर माल्थस के लेख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? इसका आंसर है लेमार्क। जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। इनमें से कौन सा जंतु जीव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है? इसका आंसर है सरीसृपों और स्तनियों के बीच बतख, चोंची, पेले टिप्स। इनमें से कौन सा जंतु जीव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है? इसका आंसर है सरीसृपों और स्तनियों के बीच बतख, चोंची, पेले। वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है, इसका आंसर है पहली ओटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है, इसको बोलते हैं हम पहली ओटोलॉजी। क्वेश्चन है, उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं? इसका आंसर है जीवाश्मों से। उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं? इसका आंसर है जीवाश्मों से। स्तनियों के भ्रूणीय विकास में हृदय का क्रमिक विकास होता है। हृदय पहले मछलियों के हृदय की भांति, द्विवेश्मी, फिर अवयचरों के हृदय की भांति त्रिवेश्मी तथा अंत में चौवेश्मी हो जाता है। यह तथ्य किस परिकल्पना
कौन सा है? वायोजेनेटिक नियम से। स्तनियों के भ्रूणीय विकास में हृदय का क्रमिक विकास होता है। हृदय पहले मछलियों के हृदय की भांति द्विदेही वेश्मी, फिर उभयचरियों के हृदय की भांति त्रिवेशी और अंत में चौवेश्मी हो जाता है। यह तथ्य किस परिकल्पना से संबंधित? इसका आंसर है बायोजेनेटिक नियम। प्रोटोथिरिया का विकास हुआ था, इसका आंसर सरीसृपों से। जो प्रोटोथिरिया का विकास हुआ था सरीसृपों से। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान की समागम है? इसका आंसर है जीवाश्म विज्ञान। विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान की समागम है? इसका आंसर है जीवाश्म विज्ञान। जो विज्ञान की जीवाश्म विज्ञान शाखा है उसमें भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान के समागम है। प्रोटोजोअन जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर है डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर है डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। विकास का मुख्य कारक है, इसका आंसर है प्राकृतिक वरण। विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण है। पेरिपेट्स किनका संयोजक है? इसका आंसर है एनेडिलेडा व आर्थ्रोपोडा। पेरिपेट्स किसका किनका संयोजक? इसका आंसर है एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? इसका आंसर सरीसृपों व पक्षियों का। जो आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? इसका आंसर सरीसृपों व पक्षियों का। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जीव विकास के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर है उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन। नव कारक जीव विकास के लिए जिम्मेदार है, इसका आंसर है उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन। क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है डी व्रीज ने। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है डी व्रीज ने। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? इसका आंसर विभिन्नताएं। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? इसका आंसर विभिन्नताएं। प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे हैं कौन से? जो इसका आंसर है ए, जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है। प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे हैं जिनमें वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता होती है। जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तर जीविता का संबंध है, इसका आंसर है डार्विनवाद से। जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तर जीवित का संबंध है डार्विनवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है उत्परिवर्तन। इसका आंसर है उत्परिवर्तन। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने की को स्पष्ट किया जाता है, इसका आंसर अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जीव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने की को स्पष्ट किया जाता है, इसका आंसर अंगों का उपयोग तथा अनुकूलन किए जाने से। इस तरीके से बायोलॉजी का जो हमारा जीव विज्ञान का MCQ है इसका पार्ट वन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में जीव विज्ञान का सेकेंड पार्ट।